नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। इलेक्ट्रिक बसों का श्रेय लेने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा कार्यकर्ता चौक चौराहों पर खड़े होकर लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली को 150 इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने दी हैं। भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली वालों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार तो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित रही, लेकिन मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो दिल्ली वासियों की चिंता करती है, लिहाजा मोदी सरकार ने 150 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली वालों को दी हैं। इस कड़ी में मधु विहार इलाके के पूर्व पार्षद और जिला महामंत्री पवन सिंह राठी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं संग मोदी सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर पवन राठी ने मोदी सरकार की खूब तारीफों के पुल बांधे। दिल्ली में पोल्यूशन खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें दी गई है, उसको लोगों को जागरूक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है। जिस तरीके से केजरीवाल जो झूठा हर चीज में झूठ बोलता है और जनता को गुमराह करने का काम करता है, जिसके द्वारा ये कहा गया कि 150 बसें हमारे द्वारा लाई गई और हम इसको चला रहे हैं, उसी का पर्दाफाश करने के लिए आज का ये कार्यक्रम हमने रखा है कि 150 बसें नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली को दी गई है और 150 के बाद 150 बसों और जो आनी है यानी 300 बसें दिल्ली सरकार को दी जाएगी, और जिसको वो कह रहा है कि मेरे के द्वारा ये दी जा रही है और वास्तव में ये केंद्र के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा उनके तहत दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दी जा रही है। तो उसी के तहत आज लोगों को जागरूक करने के लिए हमने दो जगह कार्यक्रम करा, युवा मोर्चा के माध्यम से और पूरे जिले में 3 ऐसे कार्यक्रम हमारे हैं। एक पूर्वांचल मोर्चा हमारा कर रहा है और एक ओबीसी मोर्चा हमारा। जिले में कहाँ कहाँ है कार्यक्रम? ओबीसी मोर्चा हमारा छतरपुर में कर रहा है, युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पे दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पे भावरी किले में था और एक सेक्टर 1 की रेल लाइन पे पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार को ये कदम उठाना क्यों पड़ा? क्या दिल्ली सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई? दिल्ली सरकार तो कोई वादे पूरे ही नहीं कर पा रही। आप देख रहे हैं हर हफ्ते उनकी ETC की बस कैसे चल रही है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग पर क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इंक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग पर क्या कुछ कहा। आज दिल्ली की सड़कों पर उतरी है, जिसका अभी हम सब लोगों ने उद्घाटन भी किया, उसमें एक छोटी सी राइड भी ली, मैंने भी ली, सब मीडिया वालों ने भी ली, और बहुत ही खूबसूरत बसें हैं, बहुत शानदार बसें हैं, बहुत कंफर्टेबल बसें हैं। अंदर जब अभी बैठे, जिस बस में मैं बैठा था उसमें काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मीडिया वाले लोग थे, उसके बावजूद भी AC बड़ा अच्छा चल रहा था। मैं पहले जब आंदोलन किया करता था तब काफ़ी बसों में घूमा करते थे, तो कभी भाई AC जो है वो बड़ा धीमा होता था, तो कहने को तो AC होती थी लेकिन गर्मी बड़ी होती थी। इनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग AC है, तो जैसे घर में कोई नई चीज़ आती है तो बड़ा शौक होता है कि उसको, TV आता है तो TV खूब देखते हैं, फ्रिज आता है तो फ्रिज बड़ा। ऐसे दिल्ली के लोगों की आज बसें आई हैं, आप ही की बसें हैं, दिल्ली के लोगों की बसें हैं, तो इसको अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए, तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें। आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, खराब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर, लेकिन इसका खूब इस्तेमाल करें। एक राइड, जॉय राइड लेके देखें, और मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर। जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के, तो अब बसें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा, उस दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। आज 150 बसें आई हैं, एक महीने बाद 150 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 300 बसें हो जाएंगी। हमारा टारगेट कि एक साल के अंदर लगभग 2000 के करीब बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पर होंगी, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो 300 बसेस हैं, 150 आ जाएंगे, 150 एक महीने बाद आएंगी, इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है, इसमें 150 करोड़ रुपए
हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज 3 इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज का भी उद्घाटन किया गया है, उसका खर्चा लगभग 150 करोड़ के करीब आया है। और अभी और बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे अगर बसें आएंगी तो बहुत सारे डिपोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी सारे बनाए जा रहे हैं। तो फिर से मैं एक बारी दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग जो जो अगले 3-4 दिन बसों में जाएं, वो 30 जून तक जब भी जाएं, एक सेल्फी बस के अंदर लेके और उसको पोस्ट कर दें। क्या हैशटैग? आई राइड ई बस। मैं भी अभी थोड़ी देर में करूंगा। बसें चाहे किसी ने भी दी हो, लेकिन एक बात तो साफ है, इसका फायदा दिल्ली वालों को ही होगा। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।